अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू SIP बैंगलोर किचन। आज हम बनाएंगे स्क्विड मसाला। मैं आपको क्लीनिंग कैसे करते हैं प्लस उसका मसाला कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब हम पहले इसका क्लीनिंग देख लेंगे। आइए अब हम देखेंगे स्क्विड को कैसे क्लीन करते हैं। स्क्विड मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको फिश मार्केट में इजीली मिल जाएगा। देखिए, हम पहले उसकी बॉडी को पकड़ लेंगे, फिर ये जो ऊपर का हिस्सा है वो पकड़ के ऐसे निकाल लेंगे। फिर हम इसके जो फिन्स हैं वो साइड से कट कर लेंगे। कट करके फिर जो भी इसका सेंटर का हिस्सा है वो हम काट लेंगे। ये अंदर जो भी है वो सारा हमें निकाल लेना है। देखिए, ये प्लास्टिक के जैसा इसका कार्टिलेज है वो भी हम निकाल लेंगे, और ये जितना भी अंदर का है वो हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हमें सिर्फ इसका स्किन निकालना है। बहुत ही थिन लेयर आता है इसके स्किन का, वो सारा हम पिंकिश जो भी स्किन है इसका हम निकाल लेंगे। क्लीन करने में बहुत ही ईजी है। देखिए, ये बॉडी क्लीन हो गई है। अब हम इसका हेड पार्ट, देखिए ये हेड पार्ट को हम देखिए ऐसा उल्टा कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये जो भी डॉट जैसा है वो आपको सिर्फ ऐसे दबाना है। दबाने पर बटन जैसा ऊपर निकल जाएगा, तो ये वेस्ट है। ठीक है, अब हम इसके जो भी ये पिछला हिस्सा है हम इसे कट कर लेंगे, और जो इसके टेंटिकल्स हैं वो हम थोड़े से ट्रिम कर लेंगे, और इसके जो भी फिन्स हैं वो भी हम इसका स्किन निकाल लेंगे। अब हमें इसे अच्छे से हल्दी और नमक के साथ अच्छे से वॉश करना है। देखिए, अब हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब सेंटर से कट करके इसके राउंड राउंड पीसेस हम काट लेंगे। आप जितना भी पतला या जितना भी मोटा, आपकी मर्जी है, आप जितना भी रखें। देखिए, सारे पीसेस को हम ऐसे अच्छे से कट कर लेंगे। ये जो हेड पार्ट है हम ऐसे ही डाल लेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहे तो वो आपकी चॉइस है। इसके जो फिन्स है वो भी हम काट लेंगे। बस इतना ही है उसका क्लीनिंग। मैंने हल्दी और नमक के साथ अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा पानी लेकर इसे अच्छे से क्लीन से वॉश करना है। हम मसाला डायरेक्ट कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट मैं इसे प्रेशर कुक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप 2 सीटी ले लीजिए थोड़ी सी हल्दी डाल के, बाद फिर मसाला आप कढ़ाई में बना के इसे मिक्स कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। फिर हम डाल लेंगे बड़ी 2 साइज की प्याज। अगर आपके पास मीडियम साइज है आप 4 डाल सकते हैं, मैंने बड़े 2 प्याज डाल लिया है। हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फिर मैं प्याज में 1 टीस्पून नमक डाल लूंगी। प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। गोल्डन ब्राउन होने से पहले हम इस स्टेप पे थोड़ी सी करी पत्ते डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम डाल लेंगे 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जो भी स्क्विड्स डालने के लिए हमने रखा था, अब ये सारे हम इसमें डाल के इसे एक अच्छा सा स्टर देंगे। फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च,
थोड़ी सी हल्दी, फिर हम डालेंगे एक टेबलस्पून धनिया पाउडर और फिर हम डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला। डाल के इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अब मैं डालूंगी एक टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा एनहांस होता है, इसलिए हम एक टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर डाल लेंगे। देखिए ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। इस स्टेप पे हम तीन बड़े टमाटर डाल लेंगे। तीन टमाटर डाल के इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाने हैं तो हम थोड़ा सा पानी यानी आधा कप पानी डाल के इसे पकने के लिए रख देंगे। हमारा टमाटर ऑलमोस्ट गल चुका है, डाल के फिर हम थोड़ी देर पका लेंगे। देखें हमारा स्क्विड मसाला ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब हम एक टेबलस्पून इसमें घी डाल लेंगे। डाल के इसे अच्छे से आप मिक्स करिए। मिक्स करके आप सिम में सिर्फ 2 मिनट रख के गैस को ऑफ कर दीजिए। हमारा स्क्विड मसाला रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आ रहे हों तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारा स्क्विड मसाला रेडी है, बहुत ही टेस्टी रहता है, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरे रेसिपीज़ कैसे लगे। देखिए आप इसे कोरिएंडर के साथ आप इसे गार्निश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।